नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं जो कि डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट है फाइल, इसको हम डिलीट कर सकते हैं चाहे तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कोई और चाहे इसको डिलीट करना, मतलब हम रूट यूज़र है, बेसिकली आपको पता होगा कि अगर लिनक्स में आप रूट यूज़र रूट में हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और चाहे इसको डिलीट करना तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप कैसे देखिएगा कि मतलब तो आपको उसको मतलब डिलीट करने के लिए आप करना ये है कि टर्मिनल ओपन करना है। देखिए, टर्मिनल ओपन किए और आपको आप रूट में हैं तो ls यहाँ पे टाइप करेंगे। ls में देखेंगे कि ये जो फाइल है डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है। तो उसके बाद हम cd से चेंज डायरेक्टरी करके cd से जो है सो बेसिकली वो डायरेक्टरी में जाएंगे। उसके बाद डेस्कटॉप लिखेंगे डेस्कटॉप, और उसके बाद डेस्कटॉप में चलेगा। डेस्कटॉप में अगर ls करेंगे तो देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट है और किडल लाइव डॉट इमेज है, जो कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसको अब ls space sess और ls la उसके बाद टाइप करना। उसके बाद देखिएगा कि हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट जो है इसको यहाँ पे आप अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे अगर डी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है डायरेक्टरी है। जैसे कि ये यहाँ दोनों पे लिखा हुआ है और यहाँ दोनों पे नहीं लिखा हुआ, मतलब ये और ये एक डायरेक्टरी नहीं है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर नहीं है, फाइल है। तो यहाँ पे रीड राइट और एक्स जो लिखा हुआ है RWX, इसका मतलब है कि इस फाइल को रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों किया जा सकता है। रीड भी किया सकता है, राइट भी किया जा सकता है और एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, इसको रन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन ये इस फाइल में तीनों को है। ये फर्स्ट जो है उसको परमिशन देता है जो रूट है, उसके बाद सेकेंड जो है ये परमिशन देता है उसको जो अदर यूज़र है, मतलब ग्रुप 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 यूज़र है, और ये लास्ट वाला जो है सो ये जो है अदर यूज़र के लिए है कि मतलब कोई भी आएगा इसको और इसको डिलीट कर सकता है कोई भी। तो यही तीन परमिशन है जो कि इसको दिया गया है। जबकि इस फाइल में देखेंगे हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को, तो इसको रीड राइट कर सकता है कौन, सिर्फ एडमिन जो कि इस फाइल को क्रिएट किया है। बाकी आदमी ने इसको अथी कहते हैं सिर्फ रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके जगह पे डैश दिए हुआ है। ठीक है, तो इस फाइल को अगर कोई और डिलीट करना चाहे तो इसको डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट का ऑप्शन लिखा हुआ है, रीड राइट, और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं इसको क्योंकि हम भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं इस फाइल को कोई भी जो है सो डिलीट कर पाए। तो इसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे एक टाइप करना है कमांड, इसका नाम है chmod chmod और प्लस प्लस एक्स, और उसके बाद उसके डायरेक्ट उस फोल्डर का नाम, तो उस फोल्डर उसके बाद स्पेस करके ये डाल के रूट डायरेक्टरी, उसके बाद रूट में जाना है, उसके बाद रूट में जाना है, उसके बाद डेस्कटॉप में है, डेस्कटॉप में है, उसके बाद स्पेस देके हेलो वर्ल्ड डॉट txt। ठीक है, उसके बाद एंटर मारेंगे तो देखिए हो गया। उसके बाद हम फिर से ये कमांड रन करते हैं ls space slash la, तो देख सकते हैं यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट क्या कहते हैं एग्जीक्यूट का परमिशन पहले यहाँ पे नहीं था, क्या कहते हैं इस फाइल में किस हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट को एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं था, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट का परमिशन आ चुका है। ठीक है, री राइट एग्जीक्यूट का। तो हम इसको राइट भी कराना चाहते हैं तो हम टाइप करेंगे chmod स्पेस प्लस राइट, और बेसिकली इसके बाद स्पेस, उसके बाद सिंपली हम इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो देख सकते हैं। उसके बाद ls टाइप करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसको तीनों परमिशन
पता नहीं क्यों नहीं आया, तो एग्जीक्यूट का तो आ गया है, राइट का रुकिए बता। तो बेसिकली हम दूसरा वो वर्क नहीं किया तो हम दूसरा कमांड टाइप कर दिए, उसी में थोड़ा सा चेंज किए हैं, प्लस डब्ल्यू के जगह आप 777 टाइप कर दीजिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है और यहाँ पे रीड राइट रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन तीनों को मिल चुका है। बेसिकली कहने का मतलब आप इसको कोई भी डिलीट कर सकता है, तो इसको आप ऐसे ही करके आप किसी फाइल को डिलीटेबल बना सकते हैं, उसके बाद आप उस फाइल को मैनुअली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात और कि यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड जब एग्जीक्यूटेबल नहीं था तो यहाँ पे ग्रीन नहीं था, लेकिन जैसे एग्जीक्यूटेबल बनाया इसको ग्रीन हो गया, तो कहने का मतलब ग्रीन जहाँ हो उसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है।